उड़ाया है। बज गए हैं 6:30 और बाहर अंधेरा हो चुका है। बिल्डिंग इतनी अच्छी लग रही है जैसे दिवाली में लाइटिंग किया होता है, ऐसी लग रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू ड्यू राइज व्लॉग्स अगेन। आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। और आज मैं कुछ आपको बताने वाला था, और ऑब्वियसली मैंने इसलिए भी नहीं बताया क्योंकि बात कुछ ऐसी है। बात ये है कि आपने व्लॉग में देखा भी होगा, और मैं जब अपने सिटी से निकला था हल्द्वानी से, तो दिल्ली निकला था, उसके बाद हमने वहाँ पे क्वारंटाइन किया होटल में। तो होटल में हमने किया था वन नाइट का स्टे किया था सर। तो वन नाइट स्टे करने के बाद फिर हमारा सेकंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 10 बजे कोविड टेस्ट हुआ था। और तो फिर इवनिंग में हमारी रिपोर्ट आ गई थी करीबन 9 PM में। तो फिर हमें दूसरे दिन हमारी फ्लाइट थी, तो हम दूसरे दिन फिर एयरपोर्ट की तरफ चले मॉर्निंग में 6 बजे। तो वहाँ तक तो सब सही रहा। उसके बाद हम निकले दिल्ली से दोहा की तरफ, और करीबन हमने वहाँ पे किया था करीबन 6.5 घंटे का सफ़र था तारानी का। तो दोहा पहुँचे, वहाँ पे सब सही था, तब भी बिल्कुल सब लोग ठीक थे, अपने ग्रुप में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और फिर वहाँ से हम थोड़ा बहुत आपने देखा होगा लॉज वाली वीडियो भी देखी होगी मेरी, मैरिन लॉज में थे, स्टे किया था हमने थोड़ा टाइम पे क्योंकि हमारी इवनिंग में फ़्लाइट थी, तो इसे हमने वहाँ पे स्टे किया और थोड़ा रिलैक्स भी किया। वहाँ पे जो खाना पीना था हमने खाया। उसके बाद हमारी जो फ़्लाइट थी वहाँ से दोहा टू जकार्ता जो फ़्लाइट थी हमारी, तो उसमें हम लोग बैठे थे। तो हम जकार्ता पहुँचे करीबन 7.5 घंटे के बाद जकार्ता पहुँचे। उसके बाद जैसे सेफ लैंडिंग हुई हमारा, वहाँ पे सब कुछ सही था, ओके था, ऐसी वाली बात नहीं थी, सब कुछ सीखा। सभी ग्रुप में लोग थे, सब लोग 2 पॉजिटिव आ गए थे उसमें, तो हम लोग तो ओके थे। हमारा कोई रिपोर्ट पॉजिटिव ही नहीं था किसी का, और 2 जो पॉजिटिव थे और वो आ गए थे सेंटर में, क्वारंटाइन सेंटर में। और उसके बाद हम चले गए अपने होटल के लिए 1 वीक के लिए स्टे। हमने स्टे किया होटल में, फैफ होटल करके नाम है इंडोनेशिया में, जा करता हूँ फाइव होटल, आई थिंक 3 स्टार और 4 स्टार। तो वहाँ पे हमने स्टे किया था 1 नाइट के लिए। फर्स्ट नाइट तो बहुत अच्छा रहा, थकान लगी थी, खाना ना खाया तो टाइम से सो गए हम लोग, थके भी खा रहे थे बिल्कुल। फ्लाइट में बताइए आपको, फ्लाइट में आपको लगता है ना कि फ़्लाइट में बहुत अच्छा सफ़र होता है, आपको जस्ट लगता है ना ये, लेकिन ये गलत है, क्योंकि फ़्लाइट में सबसे बोरिंग जो सफ़र है हमारा ट्रैवलिंग, वो फ़्लाइट की है। वहाँ पे आप बिल्कुल, एक तो सब कंजेस्टेड एरिया रहता है, ऊपर से रहता है उसमें, अगर आपको बीच वाली सीट मिलेगी तो आप ना विंडो की तरफ देख सकते हैं और ना आप अपने गैलरी जो गैलरी बनी रहती है वहाँ पे चल सकते हैं, और टॉयलेट वॉयलेट जाने में भी दिक्कत होती है। तो ऐसे ही मेरा सीट था बीच में, तो सब ठीक था उधर। बाकी जैसे अभी होटल में रहे फर्स्ट नाइट में, यहाँ तो होटल में रहे फर्स्ट नाइट तो ठीक था सब कुछ। और सेकेंड नाइट में क्या हुआ मतलब, सेकेंड नाइट में मुझे करीबन धीरे धीरे इवनिंग से धीरे धीरे कमर में दर्द होने लगा था, और जब कमर में दर्द हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे ड्राई कफ, यानी ड्राई खांसी बोल सकते हैं, उसके बाद कफ होने लगा, थोड़ा बहुत सर पे पेन होने लगा। मुझे लग रहा था कि मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा, अभी कमर दर्द है, चलो सही हो जाएगा, ऐसा लग रहा था। और उसमें मेरे 3 दिन पूरे हो चुके थे, 3 डेज में मैं बिल्कुल, थोड़ा वीकनेस था, गले में दर्द था और बैक पेन भी हो रहा था। फिर भी मैंने सोचा कि टैबलेट, मैंने फिर भी टैबलेट नहीं खाई, फिर भी मुझे लगा कि एक दो दिन और है, सही हो जाएगा क्या पता। बट मुझे फिर फील होने लगा कि अभी 3 दिन में क्या रिपोर्ट आया, देखो क्या रिपोर्ट आया। 3 दिन जैसे ही कंप्लीट हुए तो मॉर्निंग में हमारा सैंपल ले गए थे, और इवनिंग में रिपोर्ट आई 12 बंदों में से, रिपोर्ट आई दो बंदों का पॉजिटिव आ गया था, दो ए बी थे हम लोग, उनका पॉजिटिव आ गया, पाटिल एंड दीपक का पॉजिटिव आया, एक ऑयलर और एक ए बी, पहले ही जिस दिन हमें एयरपोर्ट में लैंडिंग की थी उसी दिन ही उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया, तो वो पहले से उसमें सेंटर में थे। उसके बाद हमारा भी पॉजिटिव आ गया, और बाकी जो क्रू थे हमारे वो बातम गए, यहाँ से सिटी बातम बाय फ्लाइट जाते हैं यहाँ से, तो 1.5 घंटे का रास्ता हुआ शायद, ज़्यादा नहीं, बाय फ्लाइट। तो वो लोग बातम गए, वहाँ पे उन्होंने होटल स्टे किया, और हम लोग आ गए अपने क्वारंटाइन सेंटर की तरफ क्योंकि हमारा रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया। लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं, नॉर्मली जो भी है, अभी पॉजिटिव आ गया तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो इंडिया से जैसे भी आए थे, रस में आए थे, इधर उधर अपना मास्क अपना प्रॉपर लगाया हुआ था, फिर भी अगर आपको कोरोना
पॉजिटिव हो गए तो उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बस अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा अपना जो जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, बैक पेन हो गया, ड्राई कफ हो गया या फीवर हो रहा है, तो उन सारे टैबलेट्स को यूज करो और अपनी सफाई रखो, गर्म पानी का सेवन करो। तो मैं यही सजेशन दूंगा, क्योंकि ज़्यादा घबराने से कोई मतलब नहीं बनता इसका। एक दिन पॉजिटिव आ गया, दूसरे दिन आएगा, तो ज़्यादा घबराओगे तो तबीयत ज़्यादा खराब हो सकती है। इसलिए नॉर्मल रहने का और अपना जो टेबलेट्स हैं, गर्म पानी जो अभी है उसका सेवन करो मॉर्निंग इवनिंग जब भी आपको लगे, और प्रॉपर मास्क पहन के रख। मैंने तो अभी खोला हुआ है क्योंकि अभी थोड़ा मैं अपनी बातें आपसे शेयर कर रहा था इसलिए। तो बाकी अभी देखते हैं रिपोर्ट क्या आता है, इवनिंग में रिपोर्ट आएगा शायद। और थिंकिंग मेरी यही है कि पॉजिटिव थिंकिंग करता हूँ कि नेगेटिव आऊँ तो जल्दी से ऑनबोर्ड हो जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे रह के कोई फ़ायदा भी नहीं है मेरा। और यहाँ पे कोई कंपनी हमें पे भी नहीं करेगी इतने की जितना आदमी ऑनबोर्ड रहता है। तो यही है, समय तो ठीक चल रहा है, तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं है। एक्चुअली में हम आ रहे हैं फ़ौरन और शिफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं, तो खाली अर्निंग के लिए आ रखे हैं कि पैसे बन जाए कुछ बहुत, तो अपना भी चल जाए काम। तो अभी देखते हैं इवनिंग तक क्या रिपोर्ट आती है, मैं आपको शेयर करूँगा। मैंने ये बात मैंने करीबन अपने फैमिली किसी को भी नहीं बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि मैं मुझे फील हो रहा है कि मेरी बॉडी है, मुझे फील हो रहा है कि मैं रिलैक्स हूँ, ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही, किसी कोई इमरजेंसी नहीं है। तो फिर क्यों टेंशन देना किसी फैमिली को मुझे, है ना, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। और हाँ, मैं जैसे सही हो जाऊँगा तो मैं फैमिली को गुड न्यूज़ सुनूंगा सीधे कि मुझे ये हो गया था, तो अब मैं सही हूँ, अब मैं ऑन बोर्ड जा रहा हूँ, है ना। तो यही दिक्कत होती है, तो काफ़ी टेंशन ले लेते हैं। जितना कि हमें हमें प्रॉब्लम नहीं है, उतना से उससे ज़्यादा घर वाले टेंशन लेते हैं। तो इसलिए मैंने अभी ये बात सिर्फ आपसे शेयर की थी, और आपसे शेयर कर रहा हूँ नहीं। तो बाकी देखते हैं पुरानी कृपा। तो गाइस, लाइफ में रहिए चिल, चिल रहोगे, खुश रहोगे तो अच्छा रहेगा आपकी हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए, आपके फेस के लिए, है ना। तो टेंशन लेने की कोई फ़ायदा भी नहीं है किसी चीज़ का। तो देखो, इसमें लाइफ हर कोई स्पेंड कर रहा है, हर कोई अपनी लाइफ जी रहा है। तो वहाँ पे अगर आप लोग टेंशन लोगे तो कैसे चलेगा, बिल्कुल अभी लाइफ जी रही है तो हंस के जीवन है सेशन, विदाउट टेंशन, एनी टेंशन। जो भी होगा देखा जाएगा, वो तो फेस कर ही लेते हैं जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं किसी को भी। मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं फेस कर रहा हूँ। तो बाकी मिलते हैं अभी इवनिंग, एंडिंग है अभी 6 घंटे के बाद बताता हूँ आपको क्या हो रहा है। बज गए हैं 6:30 और बाहर अंधेरा हो चुका है। बिल्डिंग इतनी अच्छी लग रही है जैसे दिवाली में लाइटिंग किया होता है, ऐसी लग रही है। मैं थोड़ा लेटा हुआ था तो नींद आ गई मुझे, अभी आँख खुली मेरी, और व्हाट्सएप चेक किया तो गाइस, तो आज रिपोर्ट आ गया है, और रिपोर्ट आया है नेगेटिव, और सॉरी पॉजिटिव आ गया है गाइस। तो क्या कर सकते हैं अभी। तो फिर डॉक्टर ने बोला है कि 5 दिन और रुकना पड़ेगा। घर के भाई भी निकलते हैं जो अपनी घर को अच्छे से मनाने के लिए और घर की फाइनेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट रास्ते में इतना सारा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, वो सोचता नहीं है इतना। गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। टेक केयर ऑफ ऑल एंड मिलते हैं न्यू व्लॉग में। बाय बाय गाइस।